गद्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। आपदा पीड़ितों के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीएम रावत मुर्दाबाद। तू बोल, बोल। यमोई यके यके मुर्दाबाद। सब लड़े। हाँ, थोड़ा लगा लगा। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। जो भी यहाँ पे दुकानें तोड़ी गई हैं प्रशासन के द्वारा, उन लोगों को कोई भी नोटिस लिखित रूप में नहीं दिया गया है और जोर जबरदस्ती यहाँ पे जो है आके ये कार्रवाई की गई है, जिसका हम लोग जो है पूरे जोर शोर से विरोध करते हैं और पूरे प्रशासन और शासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि इस बार जो है गौरी माई के कपाट भी हम नहीं खोलने देंगे। और साथ में यहाँ पे जो भी घोड़ा खच्चर, डोली कंडी, होटल व्यवसाय जितने भी लोग करते हैं गौरीकुंड में, जो है ये सारा ठप रहेगा, बंद रहेगा जब तक जो है प्रशासन हमारे साथ आके वार्ता नहीं कर लेता और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई नहीं कर लेता। देखिए, जिस तरीके से जिला प्रशासन का डंडा गौरीकुंड वासियों पे चल रहा है, यहाँ पर मात्र गौरीकुंड ही नहीं, इस अलग रुद्रप्रयाग जनपद, चमोली जनपद, अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पर अपना व्यवसाय करने आते हैं, लेकिन प्रशासन का इस रवैये को देखकर अब अगर उचित कार्रवाई नहीं की, हमारे फेवर में कार्रवाई नहीं की, तो यहाँ के ग्राम प्रशासन सरकार के विरुद्ध जाएगी, यहाँ के जिला प्रशासन के विरुद्ध जाएगी और आने वाला यात्रा सीजन में उसका पुरजोर विरोध करेगी। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमने हमेशा इसके लिए सहयोग किया है, यात्रा सीजन के लिए सहयोग किया है, लेकिन हमको सरकार द्वारा कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, जिसका हम पूरा पुरजोर विरोध यात्रा सीजन के दौरान करेंगे। छोड़ेंगे नहीं, जिसने इतने वो किया, हमने कितने मिन्नतें की सर यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर से डंडे मारे किसी लोगों पर कि जाओ, ये खींच के काम कराया कि साले झांझे आ रहे हैं, जबकि सर सुबह किसने पी रखे थे उस जमींदारों, वो ऐसे औरतों को भी बोल रहे थे, वो SDM साहब ने ऐसे बोला कि नहीं मेरे पास परमिशन है, DM साहब से बात करो, हमने DM साहब से बात की, DM साहब ने भी बोला तोड़ो तोड़ो, हमें रोजगार दो, बोले कि और गांव के औरतों दिहाड़ी मजदूरी करो, रूढ़ी तोड़ो, SDM साहब ने ऐसे बोला कि रूढ़ी तोड़ो, धूड़ी दिहाड़ी मजदूरी करो, अपना पेट पालो, हम कोई हमारी जवाबदारी प्रशासन की नहीं है वो जवाबदारी, ऐसे बोल रहे थे वो SDM साहब बोल रहे थे।